तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10th के सोशल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा पहला दूसरा चैप्टर है समाजवाद एवं साम्यवाद, जो कि हिस्ट्री से लिया गया है, दूसरा चैप्टर है। इसी तरह आप लोग को सारा का सारा ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में पहला नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है, और बहुत सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपके बोर्ड एग्जाम में, 100% मैं गारंटी लेता हूँ। चलिए यहाँ पर जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो सो फ्रेंड्स, आपको बता दें बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था नवंबर में हुआ था 1917 ईस्वी में। चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है ब्रेस्ट-लिट्वस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ब्रेस्ट-लिट्वस्क की संधि जो है किन देशों के बीच हुई थी? तो जर्मनी और रूस के बीच, रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। चलिए इसका सही आंसर हो गया डी नंबर। चलिए हम लोग थ्री नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थ्री नंबर क्वेश्चन में रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? सो फ्रेंड्स, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? इसका जो थ्री नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, 1861 ईस्वी में हुआ था। सो फ्रेंड्स, आप लोग हेडफोन लगा लें तो अच्छी होगा, ताकि हम स्पीड में बोलते हैं, आप लोग समझ सके। वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद आप लोग इस चीज़ का जवाब दीजिए। फोर्थ नंबर का देखिए, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक थे, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक थे। तो फोर्थ नंबर का जो आपका सही आंसर हो गया बी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक किंग्स। चलिए हम लोग बात करेंगे यहाँ पे फाइव नंबर क्वेश्चन, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? सो फ्रेंड्स, फाइव नंबर का जो आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। चलिए हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सिक्स नंबर क्वेश्चन। सिक्स नंबर क्वेश्चन में स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन थे? स्वप्नदर्शी समाज के संस्थापक कौन थे? तो सो फ्रेंड्स, सिक्स नंबर का सही आंसर हो जाएगा ओवन। ओवन जो थे स्वप्नदर्शी समाज के संस्थापक थे। चलिए हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सेवन नंबर क्वेश्चन को। सेवन नंबर क्वेश्चन में किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है? किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है? सेवन नंबर का सही आंसर हो जाएगा दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे एट नंबर क्वेश्चन को। एट नंबर क्वेश्चन में भूमि, शांति और रोटी, ये तीन नारे किसने दिए थे? भूमि मतलब हो गया हमें रहने के लिए घर चाहिए, शांति होना चाहिए, सुख होना चाहिए हम लोग को, और रोटी होना चाहिए, इसके ज़्यादा लाइफ में मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस तीनों का जो है नारा किसने दिया था? तो आपको बता दें लेनिन ने इस तीनों का नारा दिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, लेनिन। चलिए हम लोग बात करेंगे यहाँ पे नाइन नंबर क्वेश्चन। नाइन नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है? सो फ्रेंड्स, नाइन नंबर क्वेश्चन देखा जाए कि खूनी रविवार किस तिथि तथा किस वर्ष हुआ था? मतलब खूनी रविवार जो था किस तिथि को हुआ था, मतलब किस दिनांक को हुआ था और किस वर्ष हुआ था, तो ये पूछ रहा। तो नाइन नंबर का जो आपका सही आंसर हो जाएगा 5 मई को हुआ था और 1818 ईस्वी में हुआ था, मतलब वर्ष में हुआ था। सो फ्रेंड्स, नाइन नंबर का क्या हो जाएगा? 5 मई 1818 ईस्वी में। चलिए नाइन नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे टेन नंबर क्वेश्चन को। रूस के संसद को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रूस के संसद को क्या कहा जाता है? तो रूस के संसद को ड्यूमा कहा जाता है, सी नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एलेवन नंबर क्वेश्चन, लेनिन ने ब्रेस्ट-लिट्वस्क की संधि 1918 किस राष्ट्र के साथ की थी? लेनिन ने ब्रेस्ट-लिट्वस्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी? तो 11 नंबर का सही आंसर हो गया सी नंबर, जर्मनी के साथ की थी लेनिन ने ब्रेस्ट-लिट्वस्क की संधि। या आप लोग याद रखिए इस चीज़ को, वीडियो को दोबारा देख लीजिए, तिबारा देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप लोग गाना सुनते हैं, ये सुनिए आप लोग को, ताकि बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए देख लेते हैं 12 नंबर, साम्यवाद घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया? साम्यवाद घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया? तो 12 नंबर का जो आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, कार्ल्स एवं एंगोलेस। चलिए हम लोग बात करें यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन, साम्यवाद घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ था? साम्यवाद घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 13 का सी नंबर हो जाएगा, 1848 ईस्वी में। चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन को, रास्पुटिन कौन था? तो 14 नंबर का सही आंसर हो जाएगा भ्रष्ट पादरी, इसका बी नंबर हो जाएगा सही आंसर, भ्रष्ट पादरी। चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेनिन ने तैयार की थी। चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन को, 1917 के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? सो फ्रेंड्स, 16 नंबर का जो आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, लेनिन ने ही किया था। लेनिन बहुत काम किए हैं, आप लोग इस चीज़ को याद रखिए लेनिन को। चलिए हम लोग बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा
इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1848 ईस्वी में किया था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन जो था 1848 ईस्वी में हुआ था, आप लोग इस तरह से याद रखें। चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन को। 18 नंबर क्वेश्चन में है द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ मतलब द्वितीय इंटरनेशनल कब बना, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ कब बना, तो 18 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ प्रथम इंटरनेशनल कब स्थापित हुआ, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ कब स्थापित हुआ था, तो 19 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर 1864 ईस्वी में, और द्वितीय इतना में हुआ था। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन को। 20 नंबर क्वेश्चन में विश्व में साम्यवाद शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, विश्व में साम्यवाद शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, सो फ्रेंड्स 20 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, रूस में हुआ था साम्यवाद शासन का पहला प्रयोग। चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन, चेका क्या था, बी नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर। चलिए हम लोग बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ दास कैपिटल किसकी रचना है, दास कैपिटल किसकी रचना है, 22 का जो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर कार्ल मार्क्स एवं एंगेल्स। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए हम लोग बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन को। सो फ्रेंड्स यहाँ देखा जाए 23 नंबर क्वेश्चन में है इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, तो 23 नंबर का जो आपका सही आंसर हो जाएगा सी रॉबर्ट ओवेन 23 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन, लाल सेना का गठन किसने प्राप्त किया, मतलब लाल सेना का गठन किसने किया था, तो 24 नंबर का जो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर ट्रॉट्स्की, सी नंबर हो जाएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, 1919 ईस्वी में द्वितीय इंटरनेशनल अथवा कम्युनिस्ट की स्थापना कहाँ हुई थी, 25 नंबर का जो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर मास्को, तृतीय इंटरनेशनल कम्युनिस्टन की स्थापना हुई थी 1919 में। चलिए ये एक और हो गया आप लोग का जी 1919 में तृतीय इंटरनेशनल का अथवा कम्युनिस्टन की स्थापना हुई थी मास्को, कहाँ हुई थी मास्को में। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं 26 नंबर क्वेश्चन को, 26 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई थी, सो फ्रेंड्स 26 नंबर का जो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर 1883 ईस्वी में, रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का स्थापना हुआ था 1883 ईस्वी में। चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन, वर्ग संघर्ष के द्वितीय सिद्धांत का व्याख्या किसने किया था, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का व्याख्या किसने किया था, 27 नंबर का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर कार्ल मार्क्स। चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन, कार्ल मार्क का जन्म कहाँ हुआ था, 28 नंबर का जो आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर जर्मनी में हुआ था। देखिए ये शुरू से पूछ रहा है 2011 में 15 में 19 में पूछ चुका है और हो सकता है 20 में भी पूछ सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को याद रखें कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था जर्मनी में हुआ था। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन में है नई आर्थिक नीति NEP का जन्मदाता था, नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था, 29 नंबर का जो आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, 29 नंबर का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर लेनिन। चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन है 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था, सो फ्रेंड्स यहाँ पे 30 नंबर का जो आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, 30 नंबर का क्या हो जाएगा सही आंसर डी नंबर निकोलस द्वितीय, 1917 में रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था, इसका सही आंसर हो जाएगा निकोलस द्वितीय। सो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस सारे का ऑब्जेक्टिव जो 30 ऑब्जेक्टिव्स आज हम बताए हैं आप लोग इनमें से कितने क्वेश्चन का आंसर जानते थे, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर हमें इतना क्वेश्चन पहले से ऑलरेडी याद था। सो फ्रेंड्स जाते जाते आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और
नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोग को ऑब्जेक्टिव समय समय पर मिलता रहे। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है एक नए वीडियो बनाने के लिए। तब तक मिलते हैं, बाय बाय एक नए वीडियो को लेकर।